गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अगर आप छोटे से झोपड़े में भी हैं तो भी वहां पर स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा, और अगर आप बड़े महल में हैं और सारी सुख सुविधा है लेकिन आपको जीना नहीं आता तो आप वहां भी नरक का निर्माण कर देंगे। तो स्वर्ग और नरक बाहरी अवस्थाएं नहीं हैं। आपका घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपके अंदर क्या गुण हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, उसी से स्वर्ग और नरक का निर्माण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम निराशा का त्याग करो, अपने अंदर ये जो निराशा तुमने भर ली है, ये जो नरक तुमने बना लिया है, इसका त्याग करो, बल्कि जीवन के संघर्षों का सामना करो, जीवन की परिस्थिति का सामना करो। जब तक तुम सामना नहीं करोगे तब तक कुछ ना कुछ सामने आता रहेगा। हम देखते हैं कुछ लोग बड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ भी बात हो जाती है बड़ी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हैं, उन्हें परेशान करना कितना आसान है। छोटी सी कोई बात कहिए, चेहरा उनका लटक जाएगा, चेहरे का नूर चला जाएगा, हर समय ही चेहरा बुझा बुझा दिखता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितने भी दुख आते जाते हैं चेहरे पर ग्लो बढ़ता ही चला जाता है और ज़्यादा आत्मबल बढ़ता चला जाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अंदर की स्थिति के ऊपर। तो इसलिए जीवन की परिस्थिति का सामना करना सीखिए। हर हाल में परमात्मा कहते हैं कि जो निष्काम कर्म करते जाते हैं, जो कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, जो परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हैं, उनकी कभी हार हो ही नहीं सकती है। वो न इस संसार में हारते हैं न परलोक में हारते हैं। उनका मन भी स्वस्थ रहता है और उनका बाहरी जीवन भी स्वस्थ रहता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, हर हाल में स्ट्रांग। अपने मन को स्ट्रांग बनाइए धीरे धीरे। मन जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाएगा, आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं आपको सब अच्छी लगेंगी। ऐसा लगने लगेगा हर परिस्थिति मुझे मेरे लक्ष्य की ओर धकेलती चली जा रही है, हर परिस्थिति मुझे ये सिखा रही है कि मुझे कितना स्ट्रांग बनना है, ये मुझे अवसर मिल रहा है, ये मेरी परीक्षा है और परीक्षा में मैं पार होता चला जाऊँगा और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाऊँगा। जितने हायर लेवल पर जाऊँगा उतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं कि किसी ने आईएएस बनना है तो उसको कितनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, डॉक्टर बनना है कितनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, और उसके बाद भी परीक्षा कोई टलती थोड़ी ना है। जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो रोज़ रोज़ के चैलेंजेस भी आते चले जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, आप और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो स्ट्रांग बनना है, ना कि निराश बन के रहना है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार सिखाते हैं कि आपने उत्साह के साथ उमंग के साथ काम करना है, सदा खुश रहने का प्रयास रहना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और हमें स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे गुरुवर का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और उनकी कृपाएं हमेशा हमारे साथ है।